वायरस के चलते जहां बार बार स्वास्थ्य विभाग सभी को बोल रहा है सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड में सभी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए सैनिटाइजिंग करने वाला एक चैम्बर लगाया गया, जिसमें कार्यालय में प्रवेश से पहले उससे होकर गुजरना पड़ता है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकारी महकमे में तरह तरह के कार्य हो रहे हैं और जनता को जागरूक करते भी नजर आ रहे हैं। अपने आप को सैनिटाइजर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। स्वास्थ्य विभाग बार बार अपील कर रहा है कि किसी भी चीज को ना चाहते हुए दूरी बनाकर रखें। इसी अपील को ध्यान में रखते हुए मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO ने अपने कार्यालय में सैनिटाइजिंग करने वाला चैम्बर बनवाया है, जिसमें कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक को उसी से होकर गुजरना पड़ता है। यह चैम्बर गेट पर ही लगाया गया है, जिसमें घुसने से पहले बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, उससे हाथ धोना पड़ता है, फिर इस चैम्बर से गुजर कर जाना होता है, तभी कार्यालय में प्रवेश मिलता है। मेरठ के साथ ही साथ यह सुविधा अभी गोरखपुर और गाजियाबाद में भी शुरू की गई है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन का आज 14वां दिन है। हम पहुंचे हैं मेरठ के जेल चुंगी चौराहे पर। देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद है और लोगों को रोक कर पूछ रही है कि कहां पर जा रहे हैं कहां पर नहीं, और देखने मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से पुलिस वाले रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस कहां पर जा रहे हैं। जिन पर पास है उन्हें जाने दिया जा रहा है, जो बेवजह निकल रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और उन पर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। मेरठ से IPN न्यूज़ शुभम शर्मा। बाहर सैनिटाइजेशन का काम करते हैं और ये जब बाहर से आते हैं उसके बाद वो घर जाते हैं, उसके पहले उनका सब प्रॉपर ड्रेस, हेयर, हाथ वगैरह सब सैनिटाइज हो जाए, इसके लिए हमने ये पहल किया। किस तरह से काम करती है केबिन, क्या इसमें सिस्टम लगाया है? इसमें हमने 20 सेकंड का एक टाइमर रखा हुआ है जो अंदर जाते ही शुरू हो जाएगा और अंदर जो भी कर्मचारी जाएगा उसको 20 सेकंड उधर खड़ा होकर उनको सैनिटाइज करना है और बाहर आना। सेंसर से काम कर रही है? सेंसर से काम। कितनी जरूरी है और जगह दूसरी जगह भी अगर ये कोशिश की जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट्स में? अगर अभी तो हमारे यही है कि हम हमारे कर्मचारियों के लिए इसको उपयोग में ला रहे हैं, अगर इसको अगर जनता के लिए प्रयोग में लाना है तो उस पर भी हम सोचेंगे और उस पर यूज करेंगे। थैंक यू।